आज का फर्स्ट वर्ड है पेज। पेज को इंग्लिश में बोलेंगे स्क्रू, स्क्रू। नेक्स्ट वर्ड है कील, कील को इंग्लिश में बोलेंगे नेल, नेल। नेक्स्ट वर्ड है डिवरी, डिवरी को इंग्लिश में बोलेंगे नट, नट। नेक्स्ट वर्ड है टोटी, टोटी को इंग्लिश में बोलेंगे स्पाउट, स्पाउट। और आप बोल सकते हैं नोजल, नोजल। अब नेक्स्ट वर्ड है नापने का फीता, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे टेप मेजर, टेप मेजर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब नेक्स्ट है तराजू या काटा, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे बैलेंस, बैलेंस। और आप बोल सकते हैं स्केल, स्केल। अब नेक्स्ट वर्ड है दिक्स सूचक, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे कंपस, कंपस। अब नेक्स्ट है प्लास, प्लास को इंग्लिश में बोलेंगे प्लायर्स, प्लायर्स। नेक्स्ट वर्ड है पेचकस, पेचकस को इंग्लिश में बोलेंगे स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर। अब नेक्स्ट वर्ड है हथौड़ा, हथौड़ा को इंग्लिश में बोलेंगे हैमर, हैमर। नेक्स्ट है मुगरी, ये लकड़ी का भारी हथौड़ा होता है, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे मैलेट, मैलेट। नेक्स्ट है कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी को इंग्लिश में बोलेंगे एक्स, एक्स। अब नेक्स्ट है फावड़ा, ये खोदने वगैरह के काम में आता है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्पेड, स्पेड। नेक्स्ट है बेलचा, ये रेत वगैरह मिट्टी वगैरह को हटाने का काम करता है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे शवल, शवल। नेक्स्ट है पाचा, ये खेत और बगीचे में काम आने वाला औजार है, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे रेक, रेक। अब नेक्स्ट है खुरपी या कन्नी, ये राजमिस्त्री और माली के द्वारा यूज करने वाला औजार है, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ट्राउल, ट्राउल। अब नेक्स्ट है हल, ये खेती वगैरह में यूज होता है ये औजार, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे प्लाउ, प्लाउ। नेक्स्ट है हसिया, हसिया को इंग्लिश में बोलेंगे सिकल, सिकल। अब नेक्स्ट है रेती, ये सतह को चिकना करने के काम आती है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे फाइल, फाइल। अब नेक्स्ट है केची, ये तो आम है, आप सबको देखने को मिली जाती है केची, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे सिजर्स, सिजर्स। अब नेक्स्ट है आरा, ये लकड़ी वगैरह को चीरने के काम आता है ये औजार, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे सॉ, सॉ, सॉ। अब नेक्स्ट है धातुओं को काटने वाली आरी, जो मेटल को काटती है, उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे हैक्सॉ, हैक्सॉ। अब नेक्स्ट है पाना, ये औजार नट वगैरह को कसने और खींचने में यूज होता है, तो हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्पैनर, स्पैनर। अब नेक्स्ट है छेनी, ये लकड़ी या पत्थर को काटने या गढ़ने के काम आता है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे चिजल, चिजल। अब नेक्स्ट है रंदा, इससे क्या करा जाता है, लकड़ी की सतह को चिकना किया जाता है इस औजार से, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्लेन, प्लेन। अब नेक्स्ट है निहाई, ये लोहार के पास आपको देखने को मिल जाएगी, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे एनविल, एनविल। अब नेक्स्ट है शिकंजा, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे क्लैंप, क्लैंप। अब नेक्स्ट है सुआ या सुतारी, ये औजार वुड और लेदर में छेद करने के लिए, छोटे छोटे छेद करने के लिए काम आता है, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ऑल, ऑल। अब लास्ट है नसेनी, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे लेडर, लेडर।
ये दोनों आज के हमारे क्विज हैं। लिखकर बताइए हमें कमेंट सेक्शन में इसके आंसर। और जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।